नमस्कार, हम बात कर रहे हैं रोल एंड स्कोप ऑफ हेल्थ बीट। इससे पिछले अंक में मैंने आपसे ये बात की थी कि असल में हेल्थ बीट है क्या, अलग अलग बीट्स के बीच में हेल्थ बीट की इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत और उपयोगिता क्या है, हेल्थ बीट के एक पत्रकार को किन खूबियों को अपने अंदर रखना चाहिए, क्या चीज़ें उसे आनी चाहिए, उसकी जानकारी का दायरा कैसे बढ़े, उसके स्रोत क्या हों, सरकारी या निजी अस्पतालों में कवरेज करते हुए कौन से मुद्दों को ध्यान में रखा जाए, और इस सारी रिपोर्टिंग में ग्रामीण पत्रकारिता कितनी ज़रूरी है, इस पर भी हमने चर्चा की। आज मैं आपसे इसके अगले हिस्से पर बात करूंगी। गांव में जब हम हेल्थ बीट की बात करते हैं तो इस बात पर ध्यान में रखते हैं कि बहुत से गांव में हो सकता है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की कमी हो या मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स की कमी हो, तो ऐसे में वहां पर सुविधाएं कौन सी हैं, इमरजेंसी से डील करने के लिए किन सुविधाओं को जनता को दिया जा सकता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की सुविधाएं जनता तक पहुंच पाई हैं या नहीं पहुंच पाई, ये सब एक हेल्थ बीट के रिपोर्टर के मानस में रहनी चाहिए। यहाँ पर पब्लिक हेल्थ की बात भी जरूर करना चाहूंगी। पब्लिक हेल्थ हैज बीन डिफाइंड एज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज, प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स एंड इन्फॉर्म चॉइसेस ऑफ सोसाइटी, organizations, public or private, communities and individuals. ऐसे में नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जिन्हें कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने शुरू किया है। हेल्थ केयर सिस्टम इज ऑर्गेनाइज इंटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी लेवल्स। दीज इंक्लूड सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो आप देखिए, असल में जब हम सेहत की बात करते हैं तो उसका एम्बिट, उसका दायरा बहुत बड़ा है, और इसलिए अगर किसी पत्रकार को उसका न्यूज ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ बीट की जिम्मेदारी सौंपता है तो उसके लिए सबसे बड़ा काम यह है कि वो अपनी समझ के दायरे में विस्तार लाए। वो ये जाने कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी लेवल्स पर किस तरह से हेल्थ केयर सिस्टम काम करता है, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कैसे उसमें लगातार सुधार और निखार आया है, इससे जुड़े हुए शोध, नई तकनीकें और विकास की जो दर तय की गई है, इसके बारे में भी उसे निरंतर शोध और चिंतन करना चाहिए। कई इश्यूज उसके दिमाग में हो सकते हैं, जैसे लो क्वालिटी केयर, करप्शन, ओवरक्राउडिंग ऑफ क्लिनिक्स, कॉस्ट, पुअर कोऑपरेशन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक स्फीयर्स, बैरियर्स ऑफ एक्सेस। क्योंकि सेहत की रिपोर्टिंग के साथ कई चुनौतियां होंगी और कई मुश्किलें भी। एक पत्रकार को इन सब के बीच में संतुलन बनाते हुए संतुलित पत्रकार के तौर पर समस्याओं को जानना भी चाहिए और उसके निवारण में मदद करते हुए जनता तक सूचनाओं को पहुंचाना चाहिए। इसी तरह एक्टिविटीज ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर इंस्टीट्यूशंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, और इसके तहत एक स्पेसिफिक पर्पस से काम किया जाता है। यहाँ पर जो शोध या पढ़ाई होती है वो जनता के पास नियमित तौर पर भले ना पहुंच पाए, लेकिन जब भी किसी नतीजे तक वो शोध पहुंचे तो उसे जनता को बताना जरूरी है, खास तौर पर अगर उसकी अनुमति मिल जाए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर works in coordination with institutions
like Medical Council of India, while designing various health policies. Such institutions carry out various research in accordance to different diseases, symptoms, treatment, and medicine. They also regulate the entry of various health practitioners, for example, doctors and nurses. All the medical colleges and medicine teaching institutions are affiliated under such medical council, hence ensuring regulation. Academic activities and findings of research need to be studied by the health journalists for proper reviewing of the same to the audience. असल में गतिविधियां कई होती हैं, लेकिन जब उससे एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग सामने आती है तब एक हेल्थ जर्नलिस्ट को खास तौर पर उसका आकलन करना चाहिए। यहाँ पर एक और जरूरी बात है कि जो हेल्थ केयर जर्नल्स हैं उनमें कई बार बड़ी जरूरी जानकारियां होती हैं जिसे जनता नजरअंदाज करती है। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इन्हें भरले ही गौर से सहेजते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन हेल्थ बीट के रिपोर्टर के लिए भी जरूरी है कि वो इन हेल्थ केयर जर्नल्स को रेगुलर बेसिस पर सब्सक्राइब करें, पढ़ें और उनसे जानकारियों को जमा करें। कई जरूरी जर्नल्स हैं, जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे कुछ एक इन जर्नल्स के बारे में पता लगा। बुलेटिन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ईस्टर्न मेडिटेरियन हेल्थ जर्नल, हेल्थ अफेयर्स, हेल्थ इकोनॉमिक्स, हेल्थ केयर पेपर्स, हेल्थ केयर पॉलिसी, हेल्थ केयर क्वार्टरली, ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ, जर्नल फॉर हेल्थ केयर क्वालिटी, हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स जर्नल, जर्नल ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे जर्नल्स दिखाई दिए। आप देखेंगे कि भारत सरकार की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो मंत्रालय है उसमें, और इसके अलावा दुनिया भर में कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंक्लूडिंग WHO जहाँ पर आपको हेल्थ रिलेटेड जर्नल्स हासिल हो सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज एन इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री चार्ज्ड विद हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स relating to family planning in India. The ministry is composed of Department of Health, Department of Family Welfare, Department of Health Research. अब जो Department of Health है वो हेल्थ केयर से डील करता है, including awareness campaigns, immunization campaigns, preventive medicine and public health. Bodies under the administrative control of this department are Department of Health, Medical Council of India, Dental Council of India, Pharmacy Council of India and so on. जैसे कि कुछ और जिनका नाम लिया जा सकता है, Indian Nursing Council, All India Institute of Speech and Hearing, Mysore, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata, Hospital Services Consultancy Corporation Limited, Food Safety and Standards Authority of India, Central Drugs Standard Control Organization, National Center for Disease Control. और अब है Department of Family Welfare. Department of Family Welfare is responsible for aspects relating to family welfare, reproductive health, maternal health, pediatrics, information, education and communications, cooperation with NGOs and international aid groups, and rural health services. 18 population research centers at 6 universities and 6 other institutions across 17 states. फिर है डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। इसमें जो हम अभी बात कर रहे थे कौन से ऐसे संस्थान हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, कुछ एक का नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल
ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी, ये कुछ जरूरी संस्थान हैं। अब है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। दिस एम्स एट ब्रिंगिंग मॉडर्न हेल्थ टेक्नोलॉजी टू पीपल बाय इनकरेजिंग इनोवेशंस रिलेटेड टू डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट मेथड्स एज वेल एज प्रिवेंशन वैक्सीन्स। मतलब ये कि ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसमें कि सेहत से जुड़ी हुई जो नई तकनीकें हैं, इनोवेशंस हैं, उसको उस पर ध्यान दिया जाता है, वैक्सीन्स के बारे में भी काम होता है। यहाँ पर एक बात और पर जो मैं जोर देना चाहूँगी कि हेल्थ कंट्रीब्यूटर को खास तौर पर भारत सरकार की योजनाओं या जिस भी देश में आप रह रहे हों उस सरकार की योजनाओं, पॉलिसीज, नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे कई नई सूचनाएं आप तक आती हैं। मिसाल के तौर पर भारतीय परिपेक्ष में नेशनल हेल्थ मिशन, ये इम्पोर्टेंट है। NRHM सीक्स टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन, स्पेशली द वल्नरेबल ग्रुप्स। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स एज वेल एज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश हैव बीन गिवन स्पेशल फोकस। इसी तरह नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जिसका काम हेल्थ स्टेटस ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, पर्टिकुलरली अर्बन पुअर एंड अदर वल्नरेबल सेक्शंस बाय फैसिलिटेटिंग देयर एक्सेस। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर। NEHM कवर्स ऑल स्टेट कैपिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड अदर सिटीज, टाउन्स विद अ पॉपुलेशन ऑफ 50,000 एंड अबव इन अ फेज्ड मैनर। इसी तरह प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजनाएं, बीमा योजना, राष्ट्रीय आरोग्य योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आप भारत सरकार की सेहत से जुड़े हुए विभागों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कैसे एक विस्तृत स्तर पर इन पर काम हो रहा है। इसी तरह यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें कि वैक्सीनेशन को प्रमोट करने की कोशिश हुई, जिससे बच्चों के जो मृत्यु दर है उसमें गिरावट आई। मातृ शिशु दोनों की को ध्यान में रखते हुए भी कई योजनाओं को शुरू किया गया। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, डिफ्थेरिया, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, डायरिया, निमोनिया, ऐसी बहुत सारी बीमारियों को लेकर नए प्रयोग हुए। यूनियन बजट क्या कहता है इस बारे में उसे पढ़ना भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इससे आपको ये अंदाजा होता है कि हेल्थ को लेकर कितना पैसा हर साल सरकारों को दिया जाता है जो कि वो खर्च करती हैं जनता के लिए। हेल्थ कम्युनिकेशन In the midst of pandemic, media is the primary source of information and plays a vital role in educating the masses. आप जानते हैं कि मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी जनता को सतर्क करना, सूचना देना और उन्हें जागरूक करना है। With the outbreak of COVID-19, the media held the responsibility both for spreading awareness and for educating the public to change their ways for good. Be it the government official authorities using medium like TV, radio, social media to propagate the COVID-related guidelines, or be it the private companies taking up new styles of advertising in midst of the pandemic. It all roots through channels of mass media. आप सबने देखा कि कोरोना आने पर किस तरह से सरकार की तरफ से जनता तक मैसेजेस पहुंचाने के लिए मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का सदुपयोग किया गया
ताकि जनता को ये बार बार याद दिलाया जाए कि कोरोना से बचने के लिए किन सावधानियों को अपनाया जाना जरूरी है। इसी तरह वैक्सीनेशन के समय भी मीडिया के अलग अलग माध्यमों ने एक बड़ी भूमिका निभाई। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड ऑल प्राइवेट टेलीविजन एंड रेडियो चैनल्स टू गिव एडिक्वेट पब्लिसिटी टू डायरेक्टिव्स इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन मिड्स ऑफ द कोविड पेंडेमिक। कोरोना के दौरान भारत के सूचना और विकास मंत्रालय ने इस बात का ध्यान दिया कि वो जितनी भी जरूरी सेहत से जुड़ी और कोविड 19 से जुड़ी सूचनाएं हैं वो मीडिया के जरिए जनता तक पहुंच देना चाहे। द वेनिस कैंपेन क्रिएटेड लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन पीपल। दे वर मेड अवेयर ऑफ पर्सनल हाइजीन रेस्पिरेटरी एटिकेट्स वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर। ऐसी बहुत सारी सूचनाओं को जनता को दोहराकर याद दिलाने की कोशिश की गई। इसी तरह जो हेल्पलाइन नंबर्स थी उसे भी जनता को याद दिलाने के लिए ऐसे मैसेजेस जिंगल्स एड्स विज्ञापन सूचनाएं बनाई गई ताकि जनता उन्हें सुने और याद रखे। मिनिस्ट्री ऑल्सो आस्क्ड ऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू रेज अवेयरनेस अराउंड अदर गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स सच एज ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस टू अदर कंट्रीज लाइक चाइना और ईरान एंड और कंट्रीज विच वर कोविड 19 अफेक्टेड कंट्रीज। असल में आप ये जानते हैं कि इस समय में इस बात की एहतियात बरतनी भी जरूरी थी कि लोग अपनी सेहत को लेकर सतर्क हों और साथ ही साथ अगर उन्हें कोई लक्षण दिखाई दे रहे हों तो जानबूझकर औरों के बीच उसे ना फैलाएं। इसलिए सरकार ने भाषा उसी भाषा में कैंपेन्स को तैयार करने की कोशिश की जो उस पर्टिकुलर एरिया की थी। भारत भर में जहाँ भाषाओं की विविधता है भारत के सूचना विकास मंत्रालय ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इस बात को ध्यान में रखा कि अवेयरनेस कैंपेन्स को लोगों की ही भाषा में लोगों की बोली में लोगों तक पहुंचाया जाए। इससे आप समझ सकते हैं कि हेल्थ बीट का एक जर्नलिस्ट कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। इसके अलावा जो आंकड़े जनता के लिए मंत्रालयों की तरफ से दिए जा रहे थे मीडिया ने ये भी प्रयास किया कि जनता में डर का माहौल ना बने। एक हेल्थ बीट के रिपोर्टर के लिए ये बात भी ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि जब वो तथ्यों को जनता तक रखे तो वो एक संयमित और संतुलित तरीके से रखे ताकि जनता में पैनिक की सिचुएशन होने की बजाय भरोसा बने और उनके डर में कमी आए। हेल्थ जर्नलिज्म इज कंसिडर्ड अ मीन्स ऑफ शेयरिंग ऑफ द रिजल्ट्स। असल में सेहत की जो पत्रकारिता है या हेल्थ बीट की रिपोर्टिंग है बहुत सारे नतीजों का एक निचोड़ है। हर रोज इतने सारे हो रहे शोध और नई जानकारियों के बीच एक रिपोर्टर को उनमें से नगीनों को निकालना होता है जो जरूरी बात है वो जनता तक पहुंच जाए। थ्रू द डिसमिनेशन ऑफ हेल्थ न्यूज मेडिकल रिसर्च एंड हेल्थ पॉलिसीज मास मीडिया प्ले अ लीडिंग रोल इन डिसमिनेटिंग हेल्थ न्यूज अफेक्टिंग द नॉलेज एंड हेल्थ बिलीव्स ऑफ द पब्लिक एंड इवेंचुअली प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ। असल में इस पूरे का सार ये है कि हेल्थ बीट की रिपोर्टिंग को करते हुए पब्लिक हेल्थ को प्रमोट किया जाए और जनहित में काम किया जाए। कई बार सही समय पर दी गई सही सूचना बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मदद करती है। यहाँ पर ये भी बात है कि अगर आप हेल्थ बीट की रिपोर्टिंग के साथ जुड़े हैं तो आप अपने आप को लगातार परिष्कृत और ज्ञानवान बनाते रहें।
आप जिन टर्मिनोलॉजीज को कुछ साल पहले जानते थे, हो सकता है अब उनमें बड़ा बदलाव आ गया हो। आपको अपने आप को इन नए बदलावों के लिए और तैयारियों के लिए पूरी तरह से सतर्क रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हेल्थ बीट से जुड़ी हुई कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स हैं, या किसी और देश में जाकर भी आप कुछ चीज़ें सीखना देखना चाहते हैं, तो वो भी आपको करना चाहिए। इसी तरह से अगर आपको किसी एक जगह या अस्पताल या देश या राज्य के बारे में पता लगता है कि वहाँ की हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत ही प्रभावी हैं या उनसे कुछ सीखने योग्य चीज़ें हैं, तो आपको उन जगहों का जाकर दौरा करना चाहिए। चाहे वो आप अपने निजी खर्च पर करें, लेकिन वो आपको करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी पत्रकारिता की जो शैली है वो और भी ज़्यादा परिपक्व होगी। इसके अलावा नियमित तौर पर अखबारों में, टीवी में, ऑनलाइन मीडिया में आपको सेहत से जुड़ी जितनी भी सूचनाएं और समाचार मिले, आप उनको एक जगह सहेजते जाइए, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो तो आपके पास एक बैकग्राउंड मटेरियल हो। हेल्थ बीट रिपोर्टर के लिए आर्काइव्स इम्पॉर्टेंट हैं, यानी अगर पहले कोई घटना हुई है और कुछ सालों बाद उस घटना को दोबारा होते हुए हम देख रहे हैं, तो उसे आप तभी समझ पाएंगे अगर आपके पास बैकग्राउंड मटेरियल होगा। इसके अलावा डॉक्टर्स या फिर पैरामेडिकल टीम, वे तमाम लोग जो इस व्यवसाय के साथ, इस काम या इस सेवा के साथ जुड़े हैं, उनके साथ आपका नियमित संपर्क होना चाहिए। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी जानकारी में इजाफा होता रहेगा और आप ये भी जान सकेंगे कि किन सूचनाओं पर आप आगे चलकर काम कर सकते हैं। असल में कोरोना से पहले की पत्रकारिता और कोरोना के बाद की पत्रकारिता में भी परिवर्तन आया है। एक बीट रिपोर्टर के तौर पर इस पूरे दौर में आपने कई नए तरह की चीज़ों को होते देखा होगा। आपने हेल्थ वॉरियर्स को देखा, कोरोना वॉरियर्स को देखा, और आपने ये भी समझा होगा कि फीचर स्टोरीज भी हेल्थ को लेकर होती हैं और हो सकती हैं। इस पूरे दौर में जो अच्छी स्टोरीज आपने देखी हों, या उससे पहले भी आपने कभी भी हेल्थ को लेकर सॉफ्ट स्टोरी, हार्ड स्टोरी, फीचर स्टोरी, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी, इन सब स्टोरीज को अगर आपने गौर से देखा है, तो उसका बैंक भी आपको अपने पास तैयार रखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन स्टोरीज को बेस बनाकर आप एक फॉलोअप स्टोरी कर सकते हैं, या फिर आप उस आइडिया से प्रेरणा पाते हुए कुछ और बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। हेल्थ बीट को लेकर विशेष कार्यक्रमों पर काम हो सकता है, कुछ चैनल्स में होता है, भारत के जनसेवा प्रसारक, दूरदर्शन और आकाशवाणी ने ऐसे कई कार्यक्रमों का नियमित तौर पर संचालन किया है। उनको देखना, सुनना और उनसे निकली हुई फाइंडिंग्स पर गौर करना भी आपके लिए एक फायदेमंद एक्सरसाइज बन सकता है। आज की इस लेक्चर सीरीज में आपसे बात करने के लिए मैंने कई अलग अलग स्रोतों पर काम किया, जैसे कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट, विकिपीडिया के कुछ एक सोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्रोत मेरे लिए रहा, और इसके अलावा कुछ मीडिया रिसर्च सेल और हेल्थ रिलेटेड जर्नल्स को भी मैंने गौर से देखा। अंत में जिस बात पर मैं जोर देना चाहूँगी, एक पत्रकार के तौर पर आपके सामने हमेशा नई चुनौतियाँ आती रहेंगी। ये भी होता है कि बहुत से टीवी चैनल्स में या अखबारों में एक ही पत्रकार को कई तरह की बीट्स दे दी जाती हैं, और अगर आपके पास भी कई बीट्स हैं या आप छात्र हैं और आने वाले दिनों में आप पत्रकार बनना चाहते हैं, तो अपने आप को मानसिक तौर पर इस दबाव और तैयारी के लिए भी बना कर रखें कि आपको हो सकता है एक से ज़्यादा बीट्स दी जाएं। एक छात्र के तौर पर यह अच्छा हो सकता है आइडिया कि आप अभी से ये सोचना शुरू कर दें कि आपका इंटरेस्ट, आपकी दिलचस्पी किस बीट में है, और फिर आप उसे लेकर अध्ययन करना शुरू कर दें।
अध्ययन इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे आप विषयों की गहराई तक जा सकेंगे। इसके अलावा कुछ एक मेडिकल रिसर्च सेंटर्स में जाने से भी आपको काफी मदद मिल सकती है, क्योंकि ये वो जगहें हैं जहां पर नियमित तौर पर एक गहरा काम हो रहा है। ऐसे कामों को बहुत प्रचार या प्रसार तो नहीं मिलता, लेकिन ये जरूर है कि उनके कामों के से जो नतीजे निकलते हैं उससे पूरा जो सेहत का जो पूरा काम है उस पर उसका काफी प्रभाव पड़ता है। तो एक हेल्थ बीट रिपोर्टर के तौर पर अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए आप पढ़िए, सीखिए, नए अनुभवों को देखिए, आत्मसात कीजिए और फिर अपने आप को इस बीट को अपनाने के लिए तैयार कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।